तो सबसे पहले बात करेंगे वीवो IQQ7। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, यह है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला स्मार्टफोन। यह पहले नंबर पे इसलिए है कि यह में आपको देख सकते हो 8 GB वाला वेरियंट, और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें लगाया गया है 6.62 इंच का फुल एमोलेड वाव। और इसमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट है, और इसका जो बैटरी है 4400 mAh बैटरी है। ये स्मार्टफोन वीवो IQQ7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर गेमिंग बंदों के लिए। डिस्प्ले एक्सपीरियंस और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी, मुझे सबसे ज़्यादा ये स्मार्टफोन 30,000 के बजट में मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव रहा। तो अगर आपका बजट 30,000 में है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 लेना है, तो ये इज़ द फास्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नंबर 2 पोजिशन में है MI की तरफ से MI 11X। ये इसमें आप देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट इसमें स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे, और ये है 6.62 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल, और इसमें गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, और 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ है, और ये है 6 GB वेरियंट। और इसमें बैटरी सेगमेंट की बात करो, यहाँ पे देख सकते हो 4460 mAh का बैटरी सेगमेंट इसमें लगाया गया है। और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी इस स्मार्टफोन पर देखने को मिलेंगे। और इसका बजट भी अब तो 30,000 के बजट में ये स्मार्टफोन हमको देखने को मिलता है। अगर आप एक एम आई लवर हो, आपको अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चाहिए MI की तरफ से, तो ये MI स्मार्टफोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक मिड रेंज स्मार्टफोन। अगर आपका बजट बहुत ही मतलब मिड रेंज में है, 22,000 में अगर आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 स्मार्टफोन अगर आप बाय करना चाहते हो कुछ अदर ब्रांड्स में, वो कि बहुत अच्छा है, वो है कि यहाँ पे देख सकते हो, तो यह है मोटोरोला HS। ये जो स्मार्टफोन में ये देख सकते हो, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट इसमें देखने को मिलेंगे, और इसमें काफ़ी हद तक 6.7 इंच का IPS LCD फुल HD डिस्प्ले पैनल इसमें लगाया गया है। 90 Hz का रिफ्रेश रेट इसमें देखने को मिलेंगे, और इसका जो 5000 mAh बैटरी सेगमेंट इसमें लगाया गया है, और 20 वाट का मतलब फास्ट चार्जिंग तो नहीं कर सकता, मैं 20 वाट का एक साथ रैपिड बाय फोन को चार्ज करेगा। अगर आप मोटोरोला ब्रांड से अगर आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 लेना चाहते हो ओवरऑल प्राइस के अंदर, तो मोटोरोला HS इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो नंबर 4 पोजीशन में आता है, अगर आप एक वन प्लस लवर हो, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यह है OnePlus 9R। ये जो स्मार्टफोन है, इसमें आप सबसे जो प्लस पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट इसमें लगाया गया है, और ये एक फुल एमोलेड सुपर फुल HD डिस्प्ले पैनल के साथ आता है, जिसका पिक्सल डेंसिटी है 402। और ये स्मार्टफोन में आपको जो गोरिल्ला ग्लास V5 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेंगी, और इसका बैटरी सेगमेंट की बात करो, 4500 mAh का बैटरी सेगमेंट है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आपको 65 वाट का फास्ट वार्प चार्जिंग USB Type-C पोर्ट के साथ, मतलब 4500 mAh बैटरी, और इसमें अगर 65 वाट का चार्जर लग जाए ना, तो 30 मिनट के अंदर ही आपको फ़ोन को 0 से लेके 80-90% तक ये स्मार्टफोन पहुंचा देगा। अगर आप वन प्लस लवर हो, क्वालकॉम 870 आपको सही है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला स्मार्टफोन आप बिल्कुल आप बाय कर सकते हो। तो नंबर 5 पोजीशन में अभी मैं आपको बताऊंगा आखिरी स्मार्टफोन, वो कि नंबर 5 पोजीशन में है, इसलिए मैं इसको ओप्पो रेनो 6 प्रो, इसलिए मैंने इसको 5 पोजीशन में रखा कि ये एक अपकमिंग डिवाइस में है। तो ये स्मार्टफोन का एक्सपेक्टेड प्राइस है 36,000। तो 36,000 में आपको ये स्मार्टफोन में आपको वेलकम स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट इसमें देखने को मिलेंगी, और इसमें डिस्प्ले की बात करो, एमोलेड डिस्प्ले 6.55 इंच का और 402 PPI के साथ है, और 90 Hz का रिफ्रेश रेट है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास V5 के प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिलेंगी। और बैटरी की बात करो, 4500 बैटरी सेगमेंट इसमें लगाया गया है, और इसमें भी सेम टू सेम 65 वाट का फास्ट चार्जिंग इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें मतलब क्या है कि ये 36,000 वाला जो ये प्राइस है, ये प्राइस बस एक एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट में है। तो ओप्पो रेनो 6 प्रो, ये स्मार्टफोन का प्राइस सेगमेंट अगर 30,000 के बजट में अगर आ जाता है ना, वाव, मतलब 30,000 के बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन हमको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जितना भी स्मार्टफोन रहा है ना, सबसे कम जो स्मार्टफोन है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 में, वो है मोटोरोला HS।
अगर ज़्यादा प्राइस की बात करो ओप्पो रेनो 6 प्रो। तो आप अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का कौन सा स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट और प्राइस सेगमेंट आपको अच्छा लगा है मेरे भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हो। तब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।